अगर आप चाहते हो ना कि इस एग्जाम में आप पास हो और चाहते हो कि यार अच्छे मार्क्स आए, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनिए और अपने एक दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिए। मैं एक चीज बताऊं, सक्सेस जो है ना एक ऐसी चीज है ना जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। अब इसी लॉजिक को मैं अपने पढ़ाई करते वक्त लगाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यार मैंने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और मुझे वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है, तो मुझे प्यारा सा एक मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है कि हाँ चलो मेरे को याद आ रहा है। उसी प्रकार से जब भी आप कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो या तो फिर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक छोटा सा फंडा अपनाने का कि भाई सब्जेक्ट पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं तो हमेशा मुझे टेस्ट करते जाना है अपने आप को कि क्या मेरे को उसके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको उस चीज के आंसर्स आ रहे हैं तो भाई अंदर से खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा, खुद ब खुद लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर आपको काफी बार होता होगा कि पढ़ते पढ़ते यार चीजें रिकॉल नहीं हो रही, याद नहीं आ रहा, कोई कौन से बहुत पहले पढ़ लिया था, अब लग रहा है यार क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे कैसे भूल गया मैं, हुआ होगा आपके साथ? बिल्कुल हुआ होगा। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है और वो ये है कि आप जब भी कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो उस कॉन्सेप्ट को फटाफट रिकॉल कर लो। दूसरा चीज, अगर आपको चीज याद नहीं है तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है जिसमें हम रिकॉल कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप अभी पढ़ रहे हो ना, आपको ये 1.5 डेज में कैसे रिकॉल हो वो चीज आप ना भूले, राइट? उसके लिए एक छोटा सा चीज अपनाइए, क्यूमुलेटिव रिविजन। सोने से पहले जो भी पढ़ रहे हो उसको फटाफट रिकॉल करो, देखना भाई एक दिमाग में फटाफट फ्लश होगा, राइट? ये तीन चीजें करनी है। और एक चीज ध्यान में रखिए, कभी आपको लगेगा मैं सही कर रहा हूं, कभी मेरे को लगेगा गलत कर रहा हूं, कभी लग रहा है ज्यादा पढ़ रहा हूं, कभी लग रहा है कम पढ़ रहा हूं, बट एक चीज जरूरी है इस रेस में, कंसिस्टेंसी। और कोशिश करें कि मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी सॉल्व करें, उससे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, राइट? तो गाइस बढ़िया से पढ़िए, फोड़ देंगे एग्जाम में साम दाम दंड भेद, पूरा जी जान लगा देंगे, क्योंकि एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे टू हेल्प यू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, और हाँ वीडियो शेयर कर दो दोस्तों के साथ।